फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद इलाके में एक युवक को अपने उधारी के रुपए मांगना महंगा पड़ गया। उधारी के रुपए मांगने पर दबंग ने पीड़ित युवक को दो गोलियां दाग दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मामला फिरोजाबाद जिले के थाना शिकोहाबाद के एटा रोड का है, जहां उमाकांत नामक युवक को उस वक्त गोली मार दी गई जब वह अपने 23,000 रुपए की उधारी दबंग दोस्त से मांगने पहुंचा। जैसे ही उधारी के रुपए मांगे तो दबंग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर देसी कट्टे से उसके सीने में दो गोलियां दाग दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। डॉक्टर साहब, गनशॉट का मामला है, किस तरह का मामला है और किस तरह की पेशेंट की हालत बनी हुई है? पेशेंट की हालत गंभीर थी, छाती में गोली लगी हुई है और ये उमाकांत राजपूत नाम का मरीज था, सिकवाबाद साइड का रहने वाला है। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा था कि यहाँ पे पुलिस वैन से रेफर हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उसको हमने आगरा एस एन मेडिकल के लिए रेफर किया था, लेकिन उनके साथ जो पुलिस वाले थे बोले हम प्राइवेट ट्रॉमा ले जा रहे हैं, बोले हम अपने साधन से ले जाएंगे खुद ही। कोई जिम्मेदारी नहीं बनती ट्रामा सेंटर की? हमने उन्हें अवगत कराया था, लेकिन ये बोले कि हमें प्राइवेट ट्रॉमा ले जाना है, हम वहीं करवाएंगे इलाज, हम अपनी गाड़ी से ले जा रहे हैं। कि लड़का है उमाकांत राजपूत नाम का, और इसको गोली लगी है, चेस्ट से ऊपर लगी है, खतरे से बाहर है, इसको इलाज के लिए भेजा जा रहा है। इसने दो नाम बताए हैं जिनसे इसका झगड़ा हुआ था, और इसका कहना था कि इसके करीब 23,000 रुपये उनके ऊपर थे और वो पैसे मांगने पे उन्होंने इसके ऊपर फायर कर दिया। इसको अस्पताल लाया गया और इसमें मुकदमा लिख के कार्रवाई की जा रही है। कोई गिरफ्तारी हुई? नहीं, अभी तो मामला जो है तत्काल आया है संज्ञान में पुलिस के, अभी इसको अस्पताल भेज के इसका इलाज कराया जा रहा है। अकेला था या कोई और भी था? ये अपना अकेला था और उनको दो बता रहे हैं, वो दो थे और उनसे कुछ अपना जब पैसा मांगा है तो उससे कुछ झगड़ा हुआ है, फिर उन्होंने इसके ऊपर गोली चलाई जो इसके कंधे के पास लगी।